मैंने एक न्यूट्रल गुफ्तगु इसलिए की, अभी मेरे साथ बहुत सियासतदानों के साथ साथ बहुत सरमायादार सनतकार और जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनका नुकता नजर भी लेंगे। मैं चाहता हूँ थिंक टैंक आप चला रहे हैं, थिंक टैंक का मतलब ये है कि आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। इस तरह के थिंक टैंक्स शायद ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के हों। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ये जो 2.5 साल गुजर गए और 2.5 साल हैं, हम सियासत में उलझे हैं, मईशत के जो मसाइल हैं, आपको क्या ट्रैक नजर आता है कि इमरान खान साहब को इस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये तय है कि जो 2.5 साल गुजरे हैं इसके अंदर एक बात बड़ी वाजिया नज़र आई है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो मौजूदा सेटअप है वो किसी भी हाल में मईशत की बहाली के अंदर सिंसियर है। और एक बात तय है कि इस 2.5 साल में उनके जो भी फैसले रहे उससे ये महसूस हुआ है, बहुत अरसे के बाद ही महसूस हुआ है कि वो वाकई में सिंसियर हैं, कि वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं और वो सनतकारों को एक बैकअप भी देना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे पिछले 20 साल से जो हमारे टैक्स के रिफंड्स फंसे हुए थे, पिछली एक दफ़ा गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की, दोबारा आई जरदारी की, फिर आई नवाज शरीफ की, और इन तीनों चारों गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत एहतजाज करा, बहुत मीटिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन इन्होंने हमारा रिफंड एक सिंगल पैनी भी इन्होंने दिया, पहली गवर्नमेंट में नहीं दिया। इन्होंने आने के बाद रिफंड देना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने सेल टैक्स के रिजल्ट का, सेल टैक्स के रिटर्न का एक ऐसा बेहतरीन तरीके कार बना दिया कि जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स को रिटर्न को भरें और ऑनलाइन रियल टाइम में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जहां पे करप्शन खत्म हो गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा एकदम है। और आने 2.5 साल के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि क्या कदम होने चाहिए, जो हो रहे हैं ना उसको तो है, लेकिन मेरा फोकस जो हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन आने 2.5 साल में इनको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि 2-4 तजावीज मैं आपके तहत जरूर देना चाहूंगा। नंबर वन तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो बड़ा दंगे वाला देखिए बिजनेस मेरे पास, अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग नजब मजहब या उसकी कौमित नहीं पूछूंगा। हाँ। मैं तो कहूंगा अरे मुझे बिजनेस दे रहे हैं, अभी बिजनेस उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल लिया, खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है, हाँ ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सलेंट एजेंसी है कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए और ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा, यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये है कि हमारी भी मसरूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, इसके बाद मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है देखें कि एक्सपोर्ट की बातें, मतलब जितनी भी पिछली गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट की बात कर रही है, और ये गवर्नमेंट मुझे सिंसियर भी नज़र आ रही है जी। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो आपके मुल्क में पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है जी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, 5 सेक्टर में इन्होंने अभी जो फाल है वो एक टेक्सटाइल का सेक्टर फाल है, ठीक है, एक सेक्टर जो है वो लेदर का थोड़ा बहुत फाल है, और बाकी एक के अंदर जो आपके सर्जिकल आइटम्स हुआ करते थे, स्पोर्ट्स गुड हुआ करती थी, वो तमाम सेक्टर जो है इस वक्त आपके फाल नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी आनी चाहिए वो 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए ओवरऑल। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं दुनिया के 16 मुल्कों में केएफसी को पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं उस 5 सेक्टर में नहीं आता। हाँ। तो जो गवर्नमेंट ने मराद दी हुई है दूसरे सेक्टर्स को वो मुझे मैसर नहीं है। ओवरऑल एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए, कोई एक बंदा भी अगर 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना तो उसको वो मराहत हासिल होनी चाहिए और गवर्नमेंट का उसका फोकस होना चाहिए, और उसके बाद उनको बुला के एक मैं आपको और बताऊंगा कि गवर्नमेंट अभी क्या करती है कि एसोसिएशंस के लोगों को बुलाती है और उनसे मशवरा करती है और कहती है जी आप हमको मशवरा दें कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि बजाय एक्सपोर्ट्स के, क्योंकि देखें इस वक्त गवर्नमेंट के भी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं जी जो गवर्नमेंट जो बिजनेस मैन है वो बहुत ही खुदगर्ज हैं और इंतहा सेल्फिश हैं, तो मैं कहता हूं कि आप हर सेक्टर के 5-5 बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें यार कि तुम इंतहा खुदगर्जाना बिजनेस मशवरा दो कि तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस मैन तो होते ही खुदगर्ज है तभी तो प्रॉफिट बना। मैं बात करूं ना कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना तो आप एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें तुम अपने इंतहा खुदगर्जाना मशवरा दो कि तुम्हारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मेरा बिजनेस बढ़ गया तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, बिल्कुल सही। नंबर दो ये कि देखें हमारे मुल्क में बेतहाशा एमनेस्टी की स्कीम आती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आजकल आई हुई कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी हमारे थिंक टैंक का हिस्सा है और हमारे थिंक टैंक ने इन चीजों को एक्सप्लोर कराए, ठीक है। देखें हम हर 2-3 साल के बाद एक स्कीम आती है कि जी ठीक है आपके जितने पैसे बाहर गए हैं आप वो पैसों को बाहर ले आए और आप 5% पैसा दे दें तो आपका पैसा वाइट हो जाएगा, ठीक है। आप स्कीम लेके आए
जरूर लेके आए एमनेस्टी स्कीम, लेकिन एमनेस्टी स्कीम ऐसी लेके नहीं आई कि आपने 5% दे दिया और आपका पैसा वाइट हो गया और गवर्नमेंट को एक दफा 5% मिल गया और उसके बाद वो बंदा जो है अगर वो पैसा लाने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी में डाल देता है तो इसका मतलब है कि दोबारा ब्लैक मनी को जनरेट कर रहा है। अगर वो पैसा लाके उसके अंदर डाल देता है अपना कहीं से ब्लैक से वाइट फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम ये ऐसी दें कि जो एमनेस्टी स्कीम लेके आएगा और जो इंडस्ट्री लगाएगा तो अगर उसने 15 आदमियों को रोजगार देगा तो उसके इतने पैसे वाइट हो गए, अगर उसने 30 लोगों को रोजगार दिया तो उसके इतने पैसे वाइट हो गए, अगर उसने 3000 लोगों को फॉर्मूला है बहुत बड़ा, अगर उसने 3000 लोगों को रोजगार दिया तो अलकायदा और दूसरे लोग सारे पाकिस्तान में क्यों आए वापस। तो सर सिविल वॉर अब अगर यहाँ हो जाती है जो आप कह रहे हैं फिर क्या होगा? फिर वही होगा, आएगा आने वाला। भाई आप डिफाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फौज आएगी किस तरीके से आएगी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, देखें क्या करेगी फौज। देखें मिडल ईस्ट में जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, इतना बड़ा दुनिया अपसेट होने जा रही है, अमेरिकन इकोनॉमी का जो डिजास्टर हो रहा है, आप सारी चीजों को देखें ना, जो अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग इतनी बुरी लग रही है और मिडल ईस्ट में से सारे लोग अपनी दौलत लेकर भाग रहे हैं, कोई दुबई आ रहा है, पाकिस्तान तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन दुबई की तबाह इकोनॉमी ठीक हो गई कि जितनी गाड़ी वहां कतर की और दूसरे मुल्कों की नजर आ रही है। ये सी पोर्ट जो है, दुनिया में दो सी पोर्टें बहुत अहम है मुस्तकबिल की, क्या वो बंदर अब्बास होगी या कराची होगी, लोगों को पता है वो कराची होगी, और ग्वादर को क्यों डेवलप इस तरह से प्रोसेस, इंटरनेशनल एजेंडे में 5-10 साल कुछ नहीं होते। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो जुग्राफी है, हैसियत है, चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, उसमें कराची पोर्ट की बहुत अहमियत है, और इस शहर में अगर ये फसादात फैलते हैं और मुमकिन है ये सिविल वॉर हो जाए कराची में। अभी नहीं हो रही सिविल वॉर, अभी बहुत कम है, शुरू हो गई, ये खाना जंगी नहीं है तो क्या है सर? मेरे ख्याल में अभी खाना जंगी नहीं है, मैं आपके पास सिविल वॉर तो है, सिविल वॉर, अगर खाना जंगी होती तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, माजरत के साथ, आप एक अमीर इलाके से एक अमीर इलाके में आए, अमीर इलाके में तो मैं कह कह के चीख चुका हूँ, ना महाजर मरेगा, ना पठान मरेगा, ना पंजाबी मरेगा, उसी के अंदर सफर किया है। हाँ, जिस दिन यहाँ नहीं मरते 6-7 तो लोग, अब ये कोई खबर नहीं है कराची में 7-8 आदमी मर गए आज मरे, ये कोई खबर नहीं है, मुझे नहीं पता ये कम है, मैंने खबर नहीं है, अगर 10 या 15 भी हो जाते ये लोगों को पता है कि ये मामूल है, जिस दिन ये नहीं मरेंगे उस दिन खबर छपेगी कि भाई कराची में आज मरना बंदों का, बेगुनाह लोगों का, अब कराची में कोई खबर नहीं। और इंटरनेशनली देखें, आप इकोनॉमी पढ़े हुए लोग हैं, मैं तो देसी सा आदमी हूँ, क्या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? इस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज और इस मुल्क की सियासत दोनों एक ही पले में बैठी हुई हैं, अगर ये 2000 पॉइंट गिरते हैं तो इन्वेस्टर क्या यहाँ आएगा और 30 लाख लोगों को जो जॉब चाहिए वो मिलेगा क्या? हम सर लेकिन यहाँ यही सवाल उठता है कि जब फौज के पैसे अमेरिका से भी रुक रहे हैं और साथ साथ मईशत का भी हाल बुरा है तो फिर फौज ने फौज को भी चलाना है और मुल्क को भी चलाना है, मुल्क ने मुल्क को चलाना है कम से कम, तो इन हालात पहले शायद सही कहा था। इसका मैं आपको मुख्तसर जवाब दूं, फौज ये भी सोचती है कि हम आए तो क्या इसको चला पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन सर अभी चलाने की बात नहीं है, शेख साहब मैं कहता हूं 10 दिन के लिए आते हैं क्लीन अप ऑपरेशन के लिए, 10 दिन के लिए आते हैं। देखें आपके लिए शायद 4 कमांडोज पुलिस का मर जाना कोई खबर नहीं थी, यहाँ रोज लोग मर रहे हैं, दुनिया में बड़ी खबर थी कि एक पुलिस बस पे लोगों ने गोली चला के 5 कमांडोज मार दिए, आपके लिए शायद कोई मसला नहीं था कि बर्तानिया में रात 12 बजे उन्होंने डालते लगे।